हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 10:30 बज गए हैं और हमारे जो हैं साफ सफाई के काम निपट चुके हैं। और आज मैंने पहनी है साड़ी डेली यूज की। मेरे पास बस जो है 2-3 साड़ियां हैं और बाकी सब जो है थोड़ी सी हैवी है, लेकिन इतनी गर्मी में जो है वो पहनी नहीं जाती है। तो मैंने सोचा कि आज ये वाली साड़ी पहनते हैं और एक दो जो है शॉर्ट भी बनाएंगे साड़ी पहनकर। तो जी, रोज़ रोज़ तो हम कुर्ता सलवार पहनते ही हैं, तो कभी कभी साड़ी भी पहननी चाहिए। तो जी, थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे हम खाना अलग अलग बनाते खाते हैं तो कपड़े भी अलग अलग पहनने चाहिए। तो जी, अभी जो है खाना बनाने का टाइम और किचन विचन साफ हो चुका है, हंडी में दूध भी रख दिया है। माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आरुष चले गए हैं स्कूल में, 19 मई तक पड़ गई हैं गुड्डू चिंकी की छुट्टियाँ। माँ अभी इधर आराम कर रही है। तो जी, बाहर के भी सारे काम लगभग निपट गए हैं। प्रीति जो है वो कपड़ों की धुलाई में लगी हुई है और मैं बनाऊंगी खाना जल्दी से ही। 12 बजे से पहले ही हमें ये सारा काम जो है अपना निपटाना है, क्योंकि गर्मी जो है अपने चरम पर है, बहुत तेज गर्मी है। लेकिन आज तो थोड़ी सी हवाएं निकल रही है सुबह से ही। तो जी, गर्मी जो 12 बजे वाली होती है ना, वो खतरनाक सी लगती है। थोड़ी सी बाहर लग जाते ही ना एकदम से आँच सी लगती है। तो चलो जी, मैंने सामान यहाँ पर रख लिया है। टमाटर और प्याज सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं और लहसुन की जो है कलियाँ निकाल लेते हैं। तो जी, ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और 3 टमाटर ले लिए हैं। करते हैं फटाफट से इनकी कटिंग। तो जी, यहाँ पर मैं और चिंकी लग गई हैं। चिंकी ने बोला कि मम्मी मैं लहसुन की कलियाँ निकाल देती हूँ, और ये भी जो है अपने किसी काम में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। तो मैंने टमाटर के साथ में ही बड़ा बड़ा सा प्याज काट लिया है। आज टमाटर और प्याज जो है मैं पहले ही फ्राई करूँगी। और चिंकी को बोल रही थी इस कटोरी में जो है पूरे छिलके कर लेना, नहीं तो हवा में जो है पंखे की दूर दूर तक चले जाते हैं। फिर आ गई थी मैं किचन में, वो सब करने के बाद में अभी कढ़ाई में जो है कपड़ा लगा लिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई। तो सबसे पहले जो है ये सारी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। और जो मैं काट पीट कर लेकर आई हूँ, धनिया पत्ती ली थी लेकिन इतनी जल्दी से सूख गई है, वो मेरे जो है कागज़ में लपेट कर रखनी याद नहीं रही, तो जो पूरा धनिया है वो बिल्कुल सूख गया है फ्रिज में रखा हुआ। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। सो सबसे पहले सिंपल सा ही छोंक लगाएंगे और एक बार फिर दोबारा से इसमें छोंक लगेगा। तो पहले मुझे सारी चीज़ें फ्राई करनी है। जीरा मैंने डाल दिया है और जीरा भुनने के बाद में बस ये टमाटर और प्याज जो है मैंने काट रखे हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देनी है। गर्मी में देखिए, मतलब पसीना इतना आ गया है किचन में आते ही साफ सफाई करने के बाद में। थोड़ा सा गेट बंद कर दिया था ताकि मक्खियाँ जो है बाहर चली जाए, लेकिन खुला आंगन है, गेट किचन का भी ऐसा ही है, मतलब पूरा है, जाली वाला तो नहीं है। अगर जाली वाला होता तो इसमें इतनी गर्मी भी ना लगती और मक्खियाँ भी परेशान ना करती। तो जी, इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, अब इनको जो है अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे और जब तक जो है अपनी आगे की तैयारी करेंगे। पनीर की कटिंग करूँगी उसके बाद में, फिर जो है उसे आज फ्राई करूँगी। अब की बार जो है मैं पनीर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि हर सब्ज़ी में जो है फेरबदल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरीके का हमें बना हुआ खाना चाहिए, और वो भी अपने हाथों से बनाकर खाते हैं तो उसमें तो मज़ा ही कुछ और है। किचन में कार्य प्रगति पे है। यहाँ पे बन रहा है पनीर का कुछ सामान, और ये भी काट दिया गया है, थोड़ा बचा है। और नंदनी, नंदनी के लिए मैंने काट दिया है, नंदनी भी खाएगी क्योंकि उसे कच्चा पनीर बहुत पसंद है। नंदू, ये देखो, खाओ बैठ के आराम से, इम्यूनिटी बूस्ट करो थोड़ी सी, ठीक है? दरवाज़ा बंद कर रही है, दरवाज़ा इसे मत बंद करियो, ठीक है? और कुंडी मत लगा लियो। चिंकी देखना, इसका ध्यान रखना। ओ भाई, जब तक हमारी ग्रेवी का सामान पक रहा है दूसरे वाले चूल्हे पर, मैंने तब तक चढ़ा दी है ये दूसरी छोटे वाली कढ़ाई, और इसमें जो है देसी घी डाल दिया है 3-4 चम्मच भर के। और अब मैं जो है ये पनीर जिसकी कटिंग की है उसका ठीर भी उतर गया है, क्योंकि उसे मैंने पानी में धो लिया था और निचोड़ भी लिया है। इसे अब अच्छे से हम लोग जो है फ्राई करेंगे। और जब पनीर शुरू में डालते हैं थोड़ा सा कढ़ाई में नीचे तली में लग भी जाता है। अभी इसको हल्के हल्के से जो है बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सा चलाना है ताकि ये टूटे ना। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जो है हमारे टमाटर प्याज पक रहे हैं, जब तक हम जो है ये पनीर फ्राई कर लेते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर का कर लिया है, ये देखिए। और अब दूसरे नंबर का डालूंगी मैं, ये वाले टुकड़े जो हैं जितने भी हैं ये निकाल देती हूँ इसमें से। और ये देखिए, ये भी पक गए हैं, अब इनको बस ठंडा करना है।
पनीर जो है मैंने फ्राई कर लिया है और इसको भी उगाड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अभी यहाँ पर चढ़ा देते हैं चावल के लिए पानी और चावल बनाऊंगी मैं इसके साथ में। तो कुकर की बजाय मैंने सोचा कि छोटे हैं थोड़े से तो चावल बनेंगे ही, उन्हें भिगोने में ही बना लेते हैं। और खांड के साथ में जो चावल का टेस्ट लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने पहली बार खाए हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि गांव में रहती हूँ ये खाए नहीं, क्योंकि खांड हमारे घर में ये खाने के लिए पहली बार बनवाई है गुड्डू के पापा ने, और बहुत टेस्टी लगते हैं चावल और खांड, बूरे से भी ज़्यादा मस्त। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने उसमें देसी घी मिलाया था, बच्चों को भी इस तरीके से ही देती हूँ और बड़ों को भी। मसाला डालकर पकाए थे वो मैंने पीस लिए हैं। अब इसमें जो कढ़ाई में बचा हुआ था देसी घी, उसी में जो है इसका छोंक लगा दूंगी और इससे जो है टेस्टी बनेगी सब्जी और भी ज़्यादा। और ये हमारा बन रहा है कढ़ाई पनीर। यहाँ पर एकदम में घी डाल दिया था जो बचा हुआ था सारा का सारा। सबसे पहले जो है कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाली हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई किया है और अब डाल दिया है ये कटा हुआ प्याज। अब इनको जो है अच्छे से भून लेते हैं और फिर डालूँगी इसमें थोड़ा सा हींग। और जब तक जो है इधर गर्म पानी हो जाएगा चावलों के लिए, चावल मैंने भिगोकर साफ कर कर रख दिए थे। और देखिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और मसाले में मैं नहीं डालूंगी क्योंकि सारे मसाले मैं पहले ही ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इन्हें पका चुकी हूँ। थोड़ा सा हींग डालने के बाद में तो ये सारा पेस्ट जो है मैंने इसमें डाल दिया है और इस ग्रेवी को जो है अब अच्छे से पका लेते हैं। और जितना इसमें पानी की ज़रूरत थी उतना ही मैंने इसमें डाला है जो इस गिलास में लगा हुआ था। तो जी ग्रेवी जो है वो पक गई है, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मसाला और इसे पकने के बाद में अब मैंने डाल दिया है इसमें जितना भी पनीर फ्राई किया था उतना डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने नंदनी के लिए कच्चा बचाया था क्योंकि वो कच्चा ही खाती है, और अब बाद में डाल दिया मैंने इसमें कसूरी मेथी। अब इसको ढककर जो है पकाएंगे। तो देख रही थी मैं हरा धनिया निकलता है या नहीं, लेकिन वो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। इसे जो है पशुओं के सामने डाल देंगे। बस मेरी ही गलती है क्योंकि वो मैं अखबार में नहीं लपेट कर रख पाई। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल पानी में, क्योंकि पानी जो है वो खटक गया था बहुत अच्छे से। और मैंने सोचा कि खीरे रखे हैं कई सारे तो इनका जो है रायता बना लेते हैं। खीरे का रायता जो है इन सब चीज़ों के साथ में दोपहर का टाइम है बहुत टेस्टी लगता है। तो चावल भी लगभग हमारे पक गए हैं, जितना भी फालतू का मांड है वो इनमें से निकाल दूंगी, इन्हें पका दूंगी। तो इसमें ले लिया है मैंने मट्ठा, क्योंकि दही अगर पहले से ही मैं बोलती तो माँ दही निकाल देती सुबह ही उसमें से, और मैंने सोचा फिर मट्ठा में ही बना लेते हैं। तो जी ये मट्ठा ले लिया है और इसमें से हल्का हल्का पानी निचोड़ लेंगे, नहीं तो मट्ठा जो है जितना गाढ़ा है वो उतना ही पतला हो जाएगा इसे डालने के बाद में, क्योंकि खीरे में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है खीरा। अब डाल देते हैं नमक और मिर्च और थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया पाउडर, बस यही डालूंगी ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इसमें लगाऊंगी तड़का जीरे वाला, क्योंकि गुड्डू मुझे पहले ही बोल के गई है मम्मी जीरे वाला तड़का ही लगाना, सरसों के दाने वाला जो है राई वाला उसे अच्छा नहीं लगता है। तो सब बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है। और देखिए हर जगह के हर चीज़ को खाना बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। जितना मैं सामान बनाती जा रही हूँ उस साइड में मैं ए स्लेब पर ही लगाती जा रही हूँ। गैस को मैंने थोड़ा सा खिसका दिया है ताकि मैं तड़का भी अच्छे से उसमें लगा सकूँ और गैस से उसे थोड़ा सा दूर रख सकूँ। इसमें जो है मैंने हींग डाला है और जीरा डाला है। तो ये तड़का लगा देते हैं और प्लेट जो है ये मेरे हाथ से छूट गई थी, आज मैं ढक नहीं पाई क्योंकि हाथ में जो है गर्म लगने का डर लगता है, हर किसी को ही लगता है, लेकिन थोड़ा हम महिलाओं को जो है उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है क्योंकि वो सह लेती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनका तो रोज़ की दिनचर्या होती है खाना बनाना, कभी तेज़ गर्म पर लगना, कभी तवे पर हाथ लग जाना, कभी कढ़ाई में से छींटे लग जाना, ये सब झेलने की आदत होती है एक औरत को। लंच का काम पूरा हो गया है, ये बन गया है पनीर, पनीर बना है आज, ये चावल हैं और इसमें क्या है, इसमें है रायता, रायता आलू का है, लौकी का है, खीरे का, आज खीरे का रायता है। और इधर पक रही हैं रोटियां, रोटियां पकती नहीं सेकती हैं, सेकना होता है या पकना ही होता है रोटियों का, सेकना होता है, चलो जो भी होता है मतलब पकना सेकना एक ही बात है। गर्मी में तो हम भी पक रहे हैं इसके साथ, गर्मी में तो रोटी की तरह ही पक रहे हैं इंसान भी। और ये बन के हो गया खाना तैयार, इसके बाद खाने वाले भी सब तैयार हैं, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे 12:30 तक। आरुष और आरुषि जा रहे हैं आजकल
चिंकी गुड्डू की छुट्टी है। तो जी ये था यहाँ पे मौसम के साथ साथ रसोई का हाल। उसे चिंकी कुछ समझा लो, पढ़ लेगी। वह क्या प्रैक्टिस करती रहे, डांस प्रैक्टिस, पढ़ना भी जरूरी है। चिंकी तो पढ़ रही है, इसके बारे में वैसे ही अफवाह फैल रही है कि ये डांस प्रैक्टिस करती रहे, पढ़ती है नहीं है। पढ़ रही थी गुड्डू ये? नहीं अभी आई। अभी आई चिंकी, मुझे देखते ही किताबों में लग गई हैं। नहीं मेरे काम आ रहा है। देखो फोन भी रखा होगा। अच्छा फोन देख रही थी, क्या देख रही थी फोन में? बस गाने चला के डांस करती रहे। चिंकी ये छुट्टियां जो पड़ी हैं ना तेरी 10 दिन की और हैं लगभग, इनका मिस यूज मत कर, इनका यूज कर ले ठीक है। खाना बनाने के बाद का ब्रेक, गर्मी बहुत है किचन में, तो पंखे चलते ही नहीं, तो सबको ही पता। ऐसा जी करा जाना गर्मी जाके बैठ जा, यहाँ ठंडक सी तो है पंखे की हवा में। चूल्हा सिलेंडर यहीं रख देता लाश है, पर फिर गर्मी यहाँ भी होती, पंखा ही यहाँ चलता फिर। यहाँ तो फिर लोटे भी नहीं जावे था। चिंकी चिंकी ले आई है रोक्सी को, कुछ नहीं करने की है, वहाँ पे सुसु करी आई। करी आई ठीक है, इसे मैंने नहला दिया था। और जो इसके ऊपर एक आधी जुए वगैरह थी वो निकाल दी थी, कंघी वगैरह से अच्छे से साफ किया। और चिंकी इसे ही दरवाजे वहाँ छोड़, आजा। और जब ये लेट जाएगी ना फिर इसका ये खोल दूंगी मैं, पट्टा इसमें तक खोल दूंगी यार। बस जब लेट जाएगी, नहीं तो भाग जाएगी। धरती पे कोई भी चीज हो उसे नहीं छोड़ती है, जूते चप्पल। कल तो खीरे के जो है छिलक खा रही थी। खीरा तो खा ले कोई दिक्कत नहीं, पर जो उल्टी सीधी चीज खावे ना सुबह पोटी करने में प्रॉब्लम हो रही थी इसे। तो फिलहाल इसे यहाँ बांध दे, देखो कैसे लेट लगाया। अब ये आराम करेगी। रोक्सी ज्यादा वो ना करा करे तू, हैं ज्यादा फुर्ती में ना रह करे इस टाइम, देख कहाँ चढ़ेगी। हैं मैं क्या ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, खा तो लिया तुमने अब। रोक्सी उसने कर लिया है लंच और अब ये यहाँ पे आराम करेगी। चल आराम कर रोक्सी, आजा। पहली बात बताओ आप, आइए आजा। ये बड़ी हो कभी मम्मी को कुछ नहीं कह सकती, या किसी को कुछ नहीं कहेगी। अच्छा लग रहा आज, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा क्या आज? आजा आजा आइए आजा रोक्सी आजा। बढ़िया लग रहा आज ना के हैं, चल सो जा आराम दे, चल सीट सीट। अभी जो है 1:30 बज गया है दोपहर का और खाना पीना सबका हो गया है। इधर जो है बच्चा पार्टी लोटपोट है और टीवी देख रहे हैं। थोड़ा हाँ टीवी देखने के बाद में अब मैं इन्हें सुलाऊंगी। और नंदनी भी आज सुबह नहीं सोई थी, अब वो दोपहर में सोएगी और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। अभी जो है उसका मूड नहीं है सोने का। जब सुबह उसे आलस आ था तो पिताजी जो है उसे घर लेकर चले गए थे, फिर इसका आलकस जो है उतर गया। तो चलिए जी मिलते हैं शाम के टाइम आराम करने के बाद में। और रोक्सी को मैंने उसका वो पट्टा जो है खोल दिया, और रोक्सी जो है उधर लेटी हुई है आराम से। रोक्सी जो है उधर लेटी हुई है आराम से। अभी नंदनी को जो है सोनिया उधर छोड़ के आएगी उसकी मम्मी के पास में, क्योंकि प्रीति उसे सुला सकती है दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत दूध पिलाने के बाद में। अभी आरुष और आरुषी सोएंगे मेरे पास यहाँ पर, गुड्डू चिंकी भी उधर वाले रूम में ही हैं। तो गाइस अभी बजे है 5:30 और सब लोग सो के उठ चुके हैं। और पता है आज हमने चाय नहीं पिया, आज हमने कोल्ड ड्रिंक मंगा के पी थी क्योंकि घर में बेहिसाब हो रही। और यहाँ मम्मी आरुष का होमवर्क करवा रही, उधर आरुषी और नंदनी अपना होमवर्क कर रही है। और नंदनी ने ना जिद में आरुषि की पढ़ने वाली जो रीडिंग बुक है ना वो ली कि मुझे भी काम करना। तो मैं बोल रही मम्मी को इसे किताबों का शौक होगा, मम्मी बोल रही कुछ नहीं है शुरू शुरू में होगा इन्हें सबको, और फिर सारे शौक खत्म हो रहे हैं इनके। तो आरुष अपना कहीं का काम कर रहा है, ड्राइंग का। आरुष कर रहा है अपना ड्राइंग का काम, और ये हिंदी का मम्मी ने तीनों बुक्स इसकी लाइन से लगा दी। देखो पहले हिंदी का करेगा, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स का। चलो और वो उसका देखो नया बैग, उसका पुराना बैग ना खराब हो गया था तो नया बैग निकाला। नया बैग ये देखो बेड में रखा था जो। हाँ पहले से ला रखा था। ये क्यों चिल्ला रही? चलो करो बेटा फटाफट दिखाइए अपनी बुक, दिखा क्या लिखा तुमने। ए फॉर एप्पल, हाँ ए फॉर एप्पल लिखा है। पता नहीं बुक सड़कती रहे मेरी भी आज। इसने मम्मी पता क्या, इसने बुक सड़ा दी मैं रखे गए टेबल पे जब आपने बुलाया मुझे है, और तब इसने मैं सारे पेज पे पेन चला दी, मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ा। वो पक्की पेन चलाई थी। और आरुषि, हाँ आरुषि कर रही है अपना इंग्लिश का काम, आर फॉर रैबिट रोज ठीक है। हाँ लाओ मेरा ब्रश दे दो, ये मेरा ही है ना। हाँ और अभी पता है इस कटोरी में पानी ले गई है ना, इस ब्रश को भिगो के ऐसे पानी हिला दिया अब तो, और मुँह पे पेंट कर रही थी।
मैं कह रही हूँ मम्मी से देखो अपने मुंह पे पेंट कर रही है।